ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने गजा के बच्चों की मदद के लिए अपने जूते नीलाम करने का ऐलान कर दिया। उस्मान ख्वाजा ने अपने जूतों की नीलामी का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया, जहां पर उन्होंने जूतों की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि मैं अपने जूते नीलाम कर रहा हूं और नीलामी 12 फरवरी तक जारी रहेगी। उस्मान ख्वाजा ने कहा कि गजा के बच्चों को आपकी मदद की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। तमाम आमदनी यूनिसेफ चाइल्ड ऑफ गजा अपील के लिए होगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा के शूज़ पर तमाम जिंदगियां बराबर हैं और आज़ादी इंसानी हक है लिखा हुआ है। वाज़ेह है कि उस्मान ख्वाजा को गुज़िश्ता माह पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में ये जूते पहनने से रोक दिया गया था। इससे कबल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने जूतों की प्रिंट वाली टी शर्ट्स भी फलस्तीनियों से यकजहती के करके मलबूसात बनाने वाली कंपनी से मुआहदा किया था, जिसके साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग ये जूते और ये शर्ट्स हैं वो ख़रीद सकते हैं वो ज़रूर ख़रीदें, ताकि गजा के बच्चों की जो आम इमदाद है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो सके। दोस्तों, इस बारे में आप सबकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्रिकेट से जुड़ी मज़ीद खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आजकल को। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।